a soap film is formed on a rectangular frame of length 7 cm dipping in a soap solution. तो उसने रेक्टेंगल की ना लेंथ दी थी, ब्रेड तो दी नहीं, कह रहे सोप की फिल्म मैंने इसमें प्रोड्यूस कर दी। तो मैंने देखो डायग्राम बनाने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, मैं अपने अंदाजे से बना रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा केस है कि एल की वैल्यू इसमें 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर उसने क्या कहा कि सोप की फिल्म आ गई, ये लो सोप है, ये साबुन की फिल्म आ गई, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, डुबो दिया साबुन में और साबुन की फिल्म आ गई। आगे नेक्स्ट है, द फ्रेम हैंग्स फ्रॉम द आर्म ऑफ अ बैलेंस, ये लो एक हुक लगा दिया और इसको लटका दिया। बैलेंस का मतलब तो ये होता है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ पैन है और ये बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है बैलेंस कर दिया। उसने इस रेक्टेंगल का वेट तो मुझे दिया ही नहीं, और हाँ इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल का जो भी वेट होता होगा वो यहाँ पे पड़े पैन के वेट के साथ बैलेंस होता होगा, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट बोली एक्स्ट्रा वेट ऑफ 0.38 ग्राम या जी इज टू बी प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट पैन टू बैलेंस द पुल ऑन द फ्रेम। वो कह रहे हैं कि मैंने यहां पर एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, कितना 0.38 g का एक्स्ट्रा वेट लगा जिससे कि ये बैलेंस हो गया। जरूरत क्या थी, बैलेंस तो पहले ही था, सो फिल्म ने ऐसा क्या कर दिया, सो फिल्म ने इस लेंथ को खींचा नीचे है ना, तो ऑब्वियसली इसको भी खींचा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां पर क्या हो गई, कैंसर, राइट क्लियर है। तो सोप ने इसको इस तरीके से खींचा तो फोर्स ड्यू टू क्या आई, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की फोर्स आई, इस सरफेस की टेंशन की फोर्स ने उस रॉड पे हुक पे फोर्स लगाई जिससे कि वो वेट क्या हो रहा है, बैलेंस निकालना जरा इसका आंसर। ब्रेड्थ आपको नहीं चाहिए इसकी, आपको लेंथ से काम चलेगा 7 सेंटीमीटर। सात एक ही लेंथ की बने उसी पे काम होएगा, 49 अच्छा ओ नहीं नहीं सुनो सुनो, वो लेंथ ऐसे नहीं, वो ऐसे बोलो उसे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो बैलेंस करेगी 0.38 g का मतलब 980 को बैलेंस करेगी। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सिग्मा इनटू लेंथ, प्रॉब्लम क्या है, फ्रेम है, फ्रेम के पीछे भी एयर है और आगे भी एयर है, तो फ्रेम वाले केस में क्या सिखाया था, जब फ्रेम के अंदर सोप फिल्म आती है तो इसको हमेशा क्या करना होता है, ट्वाइस, मतलब ये ना बोले 14 सेंटीमीटर लेंगे, ये बोले कि आगे और पीछे दो फ्री सर्फेसेज हैं तो अपने को डबल करना पड़ेगा, 0.38 × 980, यहां से सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू निकाल लेना और आंसर आएगा, ठीक। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है कि ट्वाइस लेना है, इसमें सारी गेम ही है ट्वाइस लेना है कि नहीं लेना, हर क्वेश्चन की प्रॉब्लम ही एक है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू में, सोप फिल्म इज अगेन ऑन अ रेक्टेंगुलर वायर रिंग ऑफ साइज 5 × 4, एरिया पता है, एरिया पहले कितना पता है, 0.05 × 0.04 m², साइज ऑफ द फ्रेम चेंज हो गया 0.05 × 0.05 m², एरिया बढ़ गया, कितना वर्क डन करना पड़ा, हमने सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया था लास्ट टाइम, सरफेस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया, सिग्मा इनटू डेल्टा ए में 4 पाई नहीं एरिया आपको गिवन ही है इसमें, तो 0.05 × 0.05 0.05 0.04 निकाल लेना, इतना आंसर आएगा, ठीक। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, टू लगाना है कि नहीं लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है इसमें लगाना है, हाँ या ना, कितने हाँ बोलते हैं लगेगा टू से मल्टीप्लाई होगा, कोई बोल कितने तो नहीं लगेगा, और कितने बोल रहे हैं नहीं पता लग रहा, ठीक। देखो है क्या चीज़, ये एक सोप फिल्म किसके ऊपर है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, जब एरिया बड़ा होगा फ्रेम का तो इधर भी फ्री सरफेस है, और रेक्टेंगुलर फ्रेम में जब भी फिल्म बनेगी उसके हमेशा दो ही फ्री सरफेस होंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई करना है, रेक्टेंगुलर फ्रेम में जब फिल्म आती है ट्वाइस लगाना ही है।
पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ फ्री सर्फेसिस हैं, कोई डाउट इसमें? तो फिल्म के केस में ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, सोप बबल इज ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ, तो आपको रेडियस पता है इसमें, ये इसका रेडियस है और आपको इसको फुलाने के लिए वर्क डन करना पड़ा 36960 अर्ग्स का, ताकि ये फर्दर और बड़ा हो जाए। अब इतने वर्क डन में रेडियस मान लो नया कितना हो गया, R2। वो कह रहे हैं सरफेस टेंशन आप मेरे से ले लो ये री, और आप ये बताओ कि रेडियस की वैल्यू क्या हुई, बस ये बता दो नया रेडियस कितना हुआ। अब फॉर्मूला तो मुझे पता है, सिग्मा क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो वर्क डन की वैल्यू 36960 ऑलरेडी पता है, और चेंज इन एरिया क्या लेंगे, 4πR2² 4πR1² तो यहां से सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे, और सिग्मा तो आपको ऑलरेडी पता है 40 SEGS में, सॉल्व करके क्या आएगा, R2 आएगा। बस मुझे ये बता दें 2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, भाई बबल है ऐसे कैसे नहीं करना, बबल के अंदर भी फ्री सरफेस है, बबल के बाहर भी फ्री सरफेस है। तो एक काम करना है आपने, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेटर है आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, आप यहां लिख लें वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू 40 इंटू चेंज इन एरिया 4πR2² 4πR1² लेकिन इस पूरे रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सोप बबल में एरिया 2 बार चेंज होगा, अंदर से भी और बाहर से भी। क्लियर है यहां तक? सोप बबल में अंदर भी एरिया बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है, तो रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बबल में तो पक्का ही करना है, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक। जैसे सोप बबल ऑफ रेडियस गिवन, ये R1 पता है, एक्सपेंडेड टू R2 पता है, सरफेस टेंशन पता है, क्या निकालना है, वर्क डन, बोलो वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, बस ये बता दो 2 से करना है कि नहीं करना, एरिया बढ़ेगा तो ये क्या है, सोप बबल है ना, तो बबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 एरिया चेंज होंगे अंदर का भी और बाहर का भी, तो कर लेना। सोप बबल का एरिया क्या होगा, 4πR2² 4πR1² इंटू 2, R1 R2 पता आंसर। मेन तो चीज यही है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, सोप बबल में तो हमेशा करने हैं, जब जब वर्क डन निकलेगा एरिया बढ़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होना ही है, कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक। जैसे नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड, 1000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर गिवन कंबाइन या कुलीज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो इसके अंदर पहली बात तो 1000 ड्रॉप्स हैं, बहुत सारे हैं, और इसका एक ड्रॉप बना, इसका रेडियस आपको पता है 10⁻⁸, पहला काम इनके वॉल्यूम को क्या करना, इक्वेट करके बड़ा वॉल्यूम निकाल के आर निकाल लेना, तो कैपिटल आर तो हाँ अच्छा डायमीटर है, ओके, तो रेडियस बाय 2 कर लेना, ठीक है, आर क्यूब भी है, अच्छा ये वाला क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहां से कैपिटल आर निकाल लेना, क्या निकालना है, एनर्जी रिलेटेड, क्या बताया था, एनर्जी या वर्क डन तो एक ही बात है, क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सिग्मा या टी एक ही बात है, तो एरिया आपको पता ही है 4πR² माइनस, ऐसा करो 1000 ड्रॉप्स है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1000 ड्रॉप्स का एरिया हमेशा बड़ा है और बड़े ड्रॉप का एरिया हमेशा छोटा है, पुट कर लेना आंसर, बड़े में से छोटा माइनस कर दे एक ही बात है, हालांकि उल्टा करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, बोलते ना एनर्जी रिलेटेड हुई है, पर नॉर्मली मैं तो एक ही ट्रेंड करता हूँ, बड़े में से छोटा ही माइनस कर दो, और 1000 ड्रॉप्स का एरिया तो हमेशा बड़ा ही होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों, ड्रॉप है, बबल में करेंगे ड्रॉप में नहीं करेंगे, क्योंकि एक फ्री सरफेस है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस गिवन फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, देखो एक प्लेट ली, प्लेट में यहां एरिया है, इसका रेडियस भी पता है,
आपको फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकालनी है, अभी सिखाया था, सिग्मा इंटू कितना, टू से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सरफेस है और वो है टू पाई आर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? करना है इसमें सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, थिन वायर इज बेंड इन फॉर्म ऑफ अ रिंग ऑफ डायमीटर, तो रेडियस आपको पता है 3/2 है। रिंग इज प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द सोप सॉल्यूशन एंड रेज्ड अप स्लोली, तो कितना अपवर्ड फोर्स चाहिए ताकि उसके हम सरफेस टेंशन को तोड़ दें? कुछ भी नहीं करना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालना है। रिंग को उठा रहे हैं, आज सिखाया था फॉर्मूला, रिंग अंदर भी 2πr और बाहर भी 2πr, निकाल लेना। रिंग का केस तो हमेशा आता ही है, मैंने बोला था, तो रिंग में स्पेशल केस चार मैंने जो केस लिखवाए हैं उसमें रिंग भी है, तो रिंग में हमेशा 2 × 2πr। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर होता जा रहा है सारा कि कैसे करना है। जैसे नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द नीडल, अब नीडल का केस मैंने करवा दिया आपको, नीडल की लेंथ एल है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बोलो नीडल में क्या लगती है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, डबल से, बताया था ना, इधर भी लेंथ है और इधर भी लेंथ है, तो यानी कि 2L, सेम केस है, नीडल की लेंथ पता है और आपका आंसर आ गया। तो केस आइडेंटिफाई करना है कि बस कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो बाकी केस है लिखवाई दी आपको सारे, उन्हीं में से क्वेश्चन आए जा रहे हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रही रेक्टेंगुलर प्लेट, और ये कैसी है, 6, 4 and 2, डायमेंशन देख लो, बड़ी वाली 6, 4 और 2, 6, 4, 2, कह रहे कि इसको लिक्विड की सरफेस पे रख दिया, तो आपको बताना है सरफेस टेंशन ने क्या फोर्स लगाई और कैसे रखा विद लार्जेस्ट फेस फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लार्जेस्ट फेस तो ये बना 6/4 का, ये रख दिया पानी के ऊपर, ये रख दिया, अब क्या लेंगे फोर्स क्या होगी सरफेस टेंशन की, सिग्मा इंटू ये सरकमफ्रेंस, देख रहे हो ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 4, 6 और 4 का, तो मींस यहां पर ए पार्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का सिग्मा इंटू 2π × 6+4। डायग्राम देख लो, ये डायग्राम है, ये 6 है और ये 4 है, लार्जेस्ट एरिया सरफेस के ऊपर है, तो 6/4 का है, तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा, 2 × 6+4, सॉरी नहीं भाई 2 नहीं आएगा, ठीक है भाई 2 × L+B, सही है। नेक्स्ट है इफ द प्लेट इज प्लेस वर्टिकल विद लॉन्गेस्ट साइड जस्ट टचेस द वाटर, अब क्या करें, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ऐसे वर्टिकल कर दें, अब क्या हुआ, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, 6 और 2, अब नेक्स्ट आंसर क्या आएगा इसमें, ये आएगा सिग्मा इंटू 2 × 6 and 2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, जितना भी आएगा आएगा आंसर आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक? अगली क्वेश्चन था ना, लास्ट है,